के सीईओ हैं और ये इलेक्टलाइन लगातार और डीबी लाइव मिलकर बहुत सारे एग्जिट पोल, बहुत सारे ओपिनियन पोल आप तक पहुंचा चुके हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हमारे बिल्कुल 100% सही भी निकले हैं, जिसमें अभी अभी पिछले दिनों आपने देखा तेलंगाना का एग्जिट पोल हो, चाहे कर्नाटका का एग्जिट पोल हो, पिछले समय में हमने दिल्ली और बाकी राज्यों के भी पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल, इन सबको आपने देखा था। खैर, लेकिन इस वक्त ये जो टोटल फिगर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आया था, लेकिन अब देखिए 215-245 एनडीए को, 260 से 290 इंडिया को और 28 से 48 अदर्स को। अब आप देखिए 215 से 245 इसका मीन अगर निकालें तो 230 सीटें बनती हैं एनडीए को, और इंडिया को 260 से 290 और इसका अगर मीन निकालें तो 275 सीटें बनती हैं। 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, इंडिया के पास 275 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस प्रकार 543 सीटें जो ऊपर आंकड़ा है, अगर एक स्क्रीन ले आइए जो बीच में लेके आप आए थे उसको फाइनल फिगर के साथ अगर ला सकते हैं तो ले आइए, और इसके बाद इस चर्चा को भी खत्म करेंगे, विजय जी के पास भी आएंगे जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ये पूरा का पूरा फिगर 275 सीटें आती हुई दिख रही हैं अगर एक फिगर माना जाए तो। विजय जी, एक फिगर में ये 275 सीटें आती हुई इंडिया गठबंधन को जो पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है, और एनडीए को 230 सीटें, एनडीए 230 सीटों पे सिमट रही है ये दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहां अदर्स के खाते में 28 से 48 सीटें, यही है विजय जी? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे ये ओवरऑल इस चुनाव को लेके और इस पूरे आंकड़ों को लेकर के विजय शुक्ला जी? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा चुनाव रहा, यह चुनाव जनता बनाम मोदी जी रहा, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दों के साथ खड़ा था और मोदी जी का सिर्फ नाम था। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू जो बाद में देखा गया कि शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया कि मोदी बनाम राहुल बनाया जाए, लेकिन वो बना नहीं पाए। भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके बाद लास्ट में आते आते यूँ कहें कि कन्याकुमारी से जहां राहुल गांधी ने शुरू किया था, अपना आरंभ किया था, वहां मोदी जी को जाकर के क्लोजर करना पड़ा। तो हाँ, ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि इस बार राहुल ने मोदी बनाम राहुल खुद बनाया, क्योंकि हर एक मुद्दे को लीड करते हुए राहुल आगे आए। अच्छा, लोगों को ये समझ में आ रहा था कि मोदी जी मंदिर की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी मुद्दे की बात कर रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा था कि महंगाई उनके लिए मुद्दा है, बेरोजगारी लिए उनके लिए मुद्दा है, विश्वगुरु बनना तब संभव होगा जब हमें खाना मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो बीच बीच में चले, देखिए पिछले चुनाव में हमने देखा था कि मीम्स में राहुल करेक्टर होते थे, इस बार मीम्स में मोदी जी करेक्टर हो गए। तो एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे तमाम साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात एग्जिट पोल को लेकर, प्रशांत जी और मुकेश जी, एग्जिट पोल को लेकर लगातार चर्चा पहले से खूब हो रही है, और देखिए इंडिया गठबंधन पहले से कह रहा है वो सरकारी एग्जिट पोल है, और सरकारी एग्जिट पोल को आप देखिए, मैं देख रहा हूं उसमें 335 मतलब अब की बार 300 पार 400 पार जो बातें हो रही थी वो दिखाई दे रही हैं, और मतलब वहां तक पहुंचाने की भरसक पूरी कोशिश हुई है। अब मैं अभी देख रहा हूं एक्सिस माई इंडिया का, वो 463 सीटों मतलब इनके पास भी अब, और ये 335 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 298 से 335 एनडीए को पहुंचा चुके हैं। राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, सब लोग ये मान के चल रहे थे कि जो वो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहता है, वो यही दिखाएगा, ये पहले से तय था यही दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत टंडन जी आप कह रहे थे कि ऑलरेडी 300 पार दिखाने के का जो चिट है वो दे दिया गया है, वो दिख रहा है जो आप कह रहे थे तीन दिन पहले, प्रशांत जी? राजीव जी, इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने जो हम लोगों ने जो अपने पॉडकास्ट में एग्जिट पोल का एग्जिट पोल किया था वो ठीक साबित हो रहा है। अब देखना ये कि क्या ये, इसकी दो चीज़ें, देखिए किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, खासकर ऐसी सरकार में। एक तो ये कि क्या ये केवल माहौल बनाने के लिए किया गया है क्या, या फिर जो अमित शाह के फोन कॉल 150 कलेक्टर्स को गए हैं, तो क्या कोई
अंदर खाने कुछ कर दिया है चुनाव आयोग ने और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये किया गया, लेकिन दोनों ही